कोसी नदी में नेपाल द्वारा छोड़े गए अतिरिक्त पानी के कारण कोसी तटबंध के बीच 8 पंचायतों के 14 गांव के लोगों के लिए एक राहत शिविर लगाया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान एडीएम धीरेन्द्र कुमार झा ने बताया कि नौहट्टा प्रखंड के 12 तथा महिषी प्रखंड के 2 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, जिसके कारण 17,000 लोग बेघर हो गए। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए 388 पॉलिथीन सीट तथा 80 किलो चूड़ा तथा 15 किलो चीनी का वितरण किया गया है। सरमाग लाइव के लिए सहरसा से गंगेश झा के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। लोगों के डिमांड पर पॉलिथीन सीट वितरण कराया गया है, चूड़ा चीनी का वितरण किया गया है और शौचालय बनाए गए हैं, चापाकल मारे गए हैं और बाकी भी जो सहूलियत लोग डिमांड करते हैं, जैसे कि नाव इत्यादि का है, जो आवागमन की सुविधा वहाँ रखने के लिए आवश्यक है, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई। जिले में वर्तमान में 2 प्रखंडों में नैसी और नौहट्टा के 8 पंचायत और 8 पंचायत के 14 गांव ये प्रभावित हुए हैं इस फ्लड से और इसमें लगभग 450 लोगों को हम लोगों ने इवैक्यूएट किया और उन्हें राहत शिविर में ठहराया गया है। खाना की व्यवस्था की गई है, कम्युनिटी किचन है वहाँ पर और बाकी जो लोग नहीं आना चाहे और जिनका मतलब बेघर हो गए हैं या जो अन्य स्थान पर चले गए हैं, उन्हें हम लोगों ने पॉलिथीन सीट दिया है। तटबंध पर काफ़ी संख्या में शौचालय बनाए गए हैं, चापाकल गाड़े गए हैं और लोगों को आने जाने के लिए जो घर से नहीं निकलना चाहते उनके लिए नाव की व्यवस्था। प्रत्येक पंचायत के लिए मेडिकल की टीमें हैं जो दोनों तटबंधों के बीच में हैं, 2 एम्बुलेंस हैं, एक जो है नाव उनको दिया गया है, एक टीम जो है समान मोबाइल टीम है और दवाओं की कोई कमी नहीं है।